हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू द वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। गाइस, मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर। आज आपको इस छोटे से वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा शानदार कैलेंडर की ट्रिक बताने वाली हूँ। भाई साहब, सवाल आएंगे ना, सॉल्व हो जाएंगे, पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लास तो हमारी डेली रात को लगती है 9 बजे के टाइमिंग पे इसी चैनल पे, और हमारे फ्री क्लासेस का शेड्यूल अभी मैं आपको बताऊंगी। सुबह 11 बजे क्लास रहती है अन अकेडमी पर, शाम को 4 बजे, रात को 8 बजे और रात को 10:10 पर टॉपिक वाइज क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हम लोग, है ना, और देखते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, ये वाले बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं, आपके पास एक डेट दी जाती है फ्यूचर की, आपके पास एक डेट पूछी गई होती है, बैक डेट भी पूछी जाती है। अगर एक डेट दी गई है 5 मार्च 2002 को, अगर मंगलवार था तो 5 मार्च 2003 को यहाँ पर कौन सा दिन होगा, या फ्यूचर डेट है या प्रीवियस डेट है, ठीक है, या एक साल पहले की डेट है, तो हमें वो निकालना है। बहुत आसान है, पेन की ज़रूरत नहीं है। रूल क्या है वो लिख लो। डेट अगर सेम हो, फिर मैं अलग वाला भी कराऊंगी। इफ़ अगर आपकी डेट सेम होती है, मान लीजिए क्वेश्चन में डेट अगर आपको सेम दी गई रहती है, मंथ भी आपके पास सेम दिया गया है, क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हो, मार्च का मार्च दिया हुआ है ना, सिर्फ एक साल का गैप होता है अगर, ठीक है, 2 साल के गैपिंग पे क्या करना है, 3 साल के गैपिंग पे क्या करना है, तो भी मैं बता दूंगी। तो आप प्लस वन करो अगर एक साल का गैप है तो, लेकिन अगर लीप ईयर आता है बीच में, अगर लीप ईयर फंस रहा है तो प्लस टू, क्योंकि आप सबको मालूम है कि नॉर्मल ईयर में जो हमारे पास शेष दिन होते हैं वो वन होता है, लीप ईयर में हमारे पास 2 शेष दिन होते हैं, ठीक है, नॉर्मल में एक, लीप में 2, है ना। तो अगर हमारे पास नॉर्मल ईयर है तो हम प्लस वन करेंगे, लीप ईयर है तो प्लस टू करेंगे। पता कैसे करेंगे, जो 4 से डिवाइड होगा वो लीप ईयर है, बीच में अगर 29 फरवरी आ रही है तो ही हम प्लस टू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो भाई, सीधा सा था, 2002 भी लीप ईयर नहीं है, ये दोनों नॉर्मल ईयर है, तो हमें सिर्फ प्लस वन करना है, एक दिन आगे चले जाना है, बस और कुछ नहीं, वेडनेसडे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा इस तरीके का सवाल आता है तो कैसे आप लोगों से सॉल्व करोगे, देखिए भाई, आपको इसका आंसर करना है। जैसे मान लो इस वाले क्वेश्चन पे हमें आंसर करना हो तो हम कैसे करेंगे, देखें, अब यहाँ पे सेम डेट दिया गया था, सेम मंथ दिया गया था, एक साल का गैपिंग था, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि ये लीप ईयर है, क्योंकि 1996 4 से डिवाइड हो जाता है, 2 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं तो लीप ईयर तो बीच में फंसेगा ही फंसेगा, सीधी सी बात है ना, क्योंकि फरवरी में लीप ईयर आएगा, तो यहाँ पे प्लस टू कर देंगे, सोमवार में 2 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर बुधवार आएगा, वेडनेसडे, इसका आंसर वेडनेसडे। अगर पीछे जाना हो तो -1, लीप ईयर बीच में फंस जाए तो -2 आ जाएगा, आप लोगों से सवाल बन जाएगा। जैसे एक और सवाल देती हूँ करने के लिए, तो इस वाले को अगर सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा बताइए, ठीक है। अब इसमें भी देखो, क्वेश्चन देखते ही आंसर बनेगा, स्टार्टिंग 9 फरवरी से, 2005 का दे रखा था और 9 फरवरी 2004 का पूछा है, पीछे जाना है बैक साइड पर, लेकिन 9 फरवरी 2004 तक जाने में डेफिनेटली बीच में पीछे लौटेंगे तो 29 फरवरी पड़ेगी, यानी माइनस के 2 करने पड़ेंगे, किस में से, मंगलवार, दिए गए दिन में से माइनस का 2 कर सकते हो, तो ट्यूसडे में से 2 घटाएंगे तो इसका जवाब जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा संडे, ठीक है। तो इसका जवाब हमारे पास क्या आना चाहिए, संडे आना चाहिए, है ना। अब मान लो ऐसा कन्फ्यूजिंग सा हो, अगर हमारे पास कोई कन्फ्यूजिंग सा सवाल आ रहा है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, देखिए मैम ने तो बताया प्लस वन है प्लस टू है, ठीक है, लेकिन अगर हमें कुछ कन्फ्यूजन सा मिल जाए, जैसे 5 मार्च 2004 को मंडे था तो 5 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे मैडम 2004 है, लीप ईयर है, तो हम इसमें प्लस टू कर दें, गलत, प्लस टू नहीं करना है, इसमें प्लस वन ही करना है, ट्यूसडे ही इसका जवाब आएगा, क्यों, क्योंकि यार आपने स्टार्टिंग 5 मार्च से करी, 2004 लीप ईयर था, इसकी 29 फरवरी बीच में नहीं पड़ी, पहले ही निकल चुकी थी, इसकी 29 फरवरी पहले ही निकल चुकी थी, बीच में नहीं पड़ी, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तब आप जवाब दे पाओगे, वरना तो गलती हो जाएगा, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो अब एक सवाल आप लोगों के लिए और आएगा, ठीक है, आपको बताना है 15 अगस्त 1995 को अगर आपका था मंडे, तो आपको बताना है कि 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन होगा। अगर मैम का पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो फिर आपको पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन पे देना है। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ऐसी और भी बढ़िया बढ़िया ऐसी ट्रिक्स जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अभी फिलहाल आप लाइक कर दो सेशन को और शेयर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप मेरे प्लस के कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो या फिर आप मेरी क्लासेस में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग कैसे जुड़ोगे भाई, क्लासेस का शेड्यूल ये लिखा है, इंपॉर्टेंट तो यही है कि क्लासेस का शेड्यूल हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना,
ये हमारे क्लासेस का शेड्यूल लिखा हुआ है गाइस, देख लो। फ्री क्लास कब कब कहाँ कहाँ लगती है, 11:04 रात को 8, रितिका तोमर लगाओ नाम और ज्वाइन करो, 10:10 पर रहती है। ये हमारी फ्री क्लास है। प्लस की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मेरा नाम, आप लोग प्लस के कोर्सेज पे जा सकते हो, ठीक है। प्लस के कोर्सेज पे, स्पेशल कोर्सेज पे जा सकते हो जिसमें आप मेरा नाम सर्च कर सकते हो, ठीक है। कोड आप लोग क्या लगाओगे, रितिका 10, ये आपको कोड लगाना है। इस कोड के थ्रू आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब अगर आप लोग सच में जाना चाहते हो तो उसका प्रोसेस क्या है प्लस का, वो मैं बता देती हूँ। देखो भाई, आपको प्लस के कोर्सेज पे जाना है सबसे पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कोड रितिका 10 लगाओगे, RITIKA10, सबसे पहले कोड ही पूछेगा, फिर प्रोसीड टू पे कर सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे जाने के लिए भी सेम करना पड़ेगा। आइकॉनिक के फीचर्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइव डाउट्स वगैरह आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डाउट फीचर आपको मिलेगा, है ना। प्रायोरिटी आप लोग को मिलेगी लाइव क्लासेस में, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर सब्सक्रिप्शन पे जाने के लिए प्लस का जो है ऑप्शन चुनें, रितिका 10 कोड आपका अप्लीकेबल हो जाएगा। कॉइन्स लगा सकते हो, कोड आपको यही लगाना है, यूज़ करना है, ठीक है। बाकी आप लोग अगर वीडियो में कुछ गलत लगता है तो आप उसे रिपोर्ट कर दीजिए, वीडियो के नीचे रिपोर्ट करने का लिंक है, बाकी कोड आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्पेशल क्लासेस में जुड़ें और लाइव क्लासेस में जुड़ें, इंपॉर्टेंट क्लासेस इस समय चल रही हैं आप लोग के सामने गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली ट्रिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।